गाइस आज के इस नए वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको काफी सारे लोग बिना आपकी परमिशन के भी आपको ऐड कर देते हैं, और जब वो ऐड कर देते हैं ना तो आपको काफी ज्यादा इरिटेशन होती है कि यार इस बंदे को मैं जानता नहीं, इसने मेरे को ग्रुप में क्यों ऐड कर दिया। इसका अपन सिंपल सा सॉल्यूशन निकालते हैं कि भैया जाते हैं ग्रुप से, लेफ्ट रहते हैं, काम खत्म। आज आपको एक व्हाट्सएप की ऐसी खुफिया सेटिंग बताने वाला हूं जो अगर आप अपना लेते हो ना तो मैं गारंटी देता हूं आपको व्हाट्सएप पे आपकी परमिशन के बिना किसी भी ग्रुप में आपको ऐड नहीं किया जाएगा। अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर हो और आप चाहते हो इस फीचर के बारे में जानना, वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि जो मैंने सेटिंग बताई है, जो मैंने फीचर बताया व्हाट्सएप का, वो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना था और साथ में बेल आइकन दबा देना और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके इन्फॉर्मेटिव। चलिए फटाफट से मैं आपको व्हाट्सएप की एक खुफिया सेटिंग बोल सकते हो या आप बोल सकते हो व्हाट्सएप का एक फीचर है जिसका बारे में बहुत ही कम यूजर्स को मालूम है, आपको भी मालूम होना चाहिए। व्हाट्सएप पे कुछ लोग क्या करते हैं, अपना प्रमोशन मैसेज करने के लिए यार आपको व्हाट्सएप ग्रुप में धड़ाधड़ ऐड करते आते हैं, और आपका अगर नेटवर्क बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोगों से आपका जानकारी है, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, नंबर वगैरह आपका सेव है, तो हर दिन हमें दो चार ग्रुप में ऐड देखने को मिलता है कि हमें इस ग्रुप में ऐड कर लिया। हम सिंपल सा सॉल्यूशन निकालते हैं, ग्रुप पे क्लिक करते हैं, टैप करते हैं और ग्रुप से रिमूव हो जाते हैं। लेकिन आज आपको जो मैं सेटिंग बताने वाला हूं उसके बाद आपको आपके परमिशन के बिना किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। चलिए फटाफट से मैं यहाँ मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। मोबाइल स्क्रीन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रोसीजर होता है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो व्हाट्सएप है ना उसको ओपन कर लेना है। देन जैसे ही आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे आ जाते हो ना तो सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में अगर आप देखोगे थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। देन थ्री डॉट पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आता है सेटिंग वाला, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन सेटिंग वाले ऑप्शन के बाद आपको जाना है अकाउंट वाले सेक्शन पे। जैसे ही आप अकाउंट वाले सेक्शन पे टैप करते हो उसके बाद आपको जाना है प्राइवेसी वाले सेक्शन पे, ठीक है। जैसे ही आप प्राइवेसी वाले सेक्शन पे जाते हो तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ग्रुप का। यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट में जब भी आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो या व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाते हो तो आपको यहाँ पे एवरीवन दिया हुआ आता है, तो आप यहाँ पे एवरीवन की जगह पे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने तीन ऑप्शन नजर आएंगे। सबसे पहले एवरीवन, फिर माय कॉन्टैक्ट नोबडी। एवरीवन में मतलब आपको ग्रुप में कोई जानता है नहीं जानता, आपका नंबर मेरे पास आ गया, मैंने आपको ऐड कर लिया, ठीक है। दूसरा होता है माय कॉन्टैक्ट, यानी कि आप और मैं दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं और आपका नंबर मेरे मोबाइल में सेव है, मेरा नंबर आपके मोबाइल में सेव है, ठीक है। तो मैं माय कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ कि यार मतलब जिनको मैंने फोन में नंबर सेव किया हुआ वही लोग मुझे ऐड कर सके, तो मैं यहाँ पे माय कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करूंगा। और मैं चाहता हूँ यार कोई भी हो एक्स वाई जेड, मैं ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहता, मैं बहुत बिजी बंदा हूँ, तो भैया नोबडी वाले सेक्शन पे आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप नोबडी वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे नीचे डन वाले बटन पे क्लिक कर देना। इतना आप जब कर दोगे ना, सिंपल सा प्रोसीजर मेरा और यहाँ पे कि आपका जो इतना सिंपल सा प्रोसीजर करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस काम खत्म। और उसके बाद यदि कोई बंदा आपको ऐड करना चाहेगा व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका वो नंबर जिस नंबर पे ये प्राइवेसी वाली सेटिंग आपने करी है, तो इसको एक एरर मैसेज आएगा वो भैया की है कि भैया आप इस बंदे को ऐड नहीं कर सकते हो, इसको आप इन्विटेशन भेज सकते हो। तो अगर आपके पास इन्विटेशन वो भेजना चाहेगा तो आप व्हाट्सएप पे पर्सनली जैसे लोग मैसेज करते हैं ना आपको, उस तरह का एक मैसेज आएगा और उसमें लिखा हुआ अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप क्लिक करो, यानी ग्रुप का मैसेज तो आपके पास आ सकता है लेकिन ग्रुप में आपको ऐड नहीं किया जाएगा। वो बोलेगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो इस ग्रुप के अंदर तो आप क्लिक करके देन अपने आप ज्वाइन हो सकते हो, आपको आपकी मर्जी के बिना दूसरा बंदा ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ये व्हाट्सएप की सेटिंग आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड आप इसे अप्लाई करके देखिएगा। आपको लगता है ये फीचर मैंने जो बताया काफी बढ़िया है, काफी लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो यार प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों की इससे हेल्प हो सके। ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर दोगे, कमेंट कर दोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं भी लूंगा एक और नए वीडियो में। जय हिंद।